आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए जा रहे इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज व्याख्यानों की श्रृंखला की कड़ी में हमारे साथ स्रोत विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं जाने माने साहित्यकार, वरिष्ठ लेखक, कवि, मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। आप इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्र, जो कि स्वतंत्र केंद्र है हिमाचल विश्वविद्यालय धर्मशाला का, आप उसमें केंद्र प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य के समीचीन विषयों पे आपकी दखल लगातार बनी रहती है। हाल ही में अटल जी पे आपने एक विशेषांक, जो कि आपकी शोध पत्रिका है, उसके माध्यम से आपने निकाली। करीब 2 दर्जन से ज्यादा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको डी.लिट. की मानद उपाधि भी देश की प्रतिष्ठित संस्था द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा करीब 250 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं और लगभग 16 के आसपास विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में एम.फिल और पी.एच.डी. का कार्य या तो कर रहे हैं या तो कर चुके हैं। तो ऐसे विद्वान हमारे साथी बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर इंद्र सिंह जी आज हमसे जुड़े हुए हैं और आज जिस विषय पर केंद्रित होकर सर अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगे वो विषय है पंडित दीन दयाल उपाध्याय का सर्वसमावेशी चिंतन। आजाद, खासतौर पर आजादी के 75 सालों के बाद उनका दर्शन, उनका सिद्धांत किस तरह इस राष्ट्र और राष्ट्रीयता को ज्यादा प्रखर बनाने के लिए, अक्षुण बनाने के लिए, ज्यादा प्रगतिशील बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है, उस पर भाई इंदर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। नमस्कार। सबसे पहले तो अनुज डॉक्टर मिश्र जी का, मानीश का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आजादी के 75 वर्ष की जो ये व्याख्यान श्रृंखला चल रही है महाराष्ट्र साहित्य अकादमी के माध्यम से, और आप इसमें इस श्रृंखला के समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, निवेदित करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि दो राष्ट्र एकमय कैसे हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हम सर्व समावेशी मानवता को कैसे आधार दे सकते हैं। दो राष्ट्र मैंने प्रारंभ में इसलिए कहा क्योंकि राष्ट्र, देश, समाज, व्यक्ति और समष्टि, ये कैसे अलग अलग कार्य करते हुए भी स्व के लिए, विशेष करके एकात्मा भाव, मानव भाव के लिए कैसे वो कटिबद्ध रहते हैं। इस श्रृंखला में जो टॉपिक, जो विषय मुझे दिया है अनुज मिश्र जी ने, कि जो सर्वसमावेशी समाज है और विशेषकर पंडित दीनदयाल जी का चिंतन, और आज के 75 वर्ष जो आजादी के हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसमें पंडित दीनदयाल जी का जो अवदान है, जो भूमिका है चिंतन की, वो कैसे आज प्रासंगिक है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि महाराष्ट्र साहित्य अकादमी ने इस व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी में मुझे भी सम्मिलित किया। इसके लिए मैं महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का पुनः, और डॉक्टर मनीष मिश्र जो मेरे छोटे भाई हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे देशवासियों, मैं देश के लिए संबोधित कर रहा हूँ हिमाचल की इस देवभूमि से, क्योंकि मुझे दायित्व दिया गया है यहाँ पंडित दीनदयाल अध्ययन केंद्र में अध्ययन प्रमुख के रूप में, जो मैं यहाँ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ एक निदेशक के रूप में और एक विभागाध्यक्ष के रूप में। और देश का ये किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला केंद्र है स्वतंत्र रूप से, जो कार्य कर रहा है एक विभाग के रूप में। जब भी कोई केंद्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे और उसको एक प्रशस्त मार्ग देने के लिए अनेक अवरोधों, समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पर हम सनातन परंपरा के संतान हैं, और सनातन जो हमारी पद्धति रही है जीवन की, और जो विशेष करके दर्शन और संस्कृति की दृष्टि से जो हमारा जीवन रहा है, वही आधार हमारा है। और उसी आधार को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस सर्वसमावेशी समाज को एक सुदृढ़ पाथे देने के लिए एक चिंतन दिया, तो वो एकात्म मानुभाव था कि हम सब एकात्म में जिए। मानव की आत्मा वो क्या है और विशेष करके व्यक्ति का जीवन क्या है, इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं, जिसको हम सर्व समावेशी समाज कहते हैं, हमने सर्व सभी समाज के वर्गों को, जो वर्णों के माध्यम से नहीं बल्कि उनकी कार्य पद्धति के माध्यम से जाना जाता है, उन्हें कैसे हम एक आधार दें जिससे हम राष्ट्र को पहले जाने, इदम न मम इदम राष्ट्राय, ये सब मेरा नहीं है, राष्ट्र का है।
इस राष्ट्र की अलख को, ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए पंडित दीनदयाल जी का जो चिंतन है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा। कारण है क्योंकि जब भी हम किसी कालखंड से गुजरते हैं तो उस कालखंड में अनेक ऐसे विचार पनपते भी हैं और कुछ विचार प्रभाव छोड़ जाते हैं समाज में और कुछ प्रभाव आंदोलित करते हैं समाज को। केवल आंदोलन ही समाज को प्रगति का पथ नहीं देता, उसके पीछे बौद्धिक का होना भी बहुत जरूरी है, बौद्धिक चिंतन का होना भी बहुत जरूरी है कि हमें सर्व दृष्टि से या समष्टि भाव से कैसे अपने जीवन को समाज के सामने रखना है, हमने कैसे संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि इस मंत्र को आगे ले जाकर के हमने केवल अपने लिए नहीं सोचना है, राष्ट्र के लिए सोचना है, अंतरराष्ट्र के लिए सोचना है। और इसी के लिए हमारी सनातन परंपरा में कहा है वसुधैव कुटुंबकम। पंडित दीनदयाल जी का चिंतन भी इसी वसुधा को कुटुंब मान करके, वसुधा को परिवार मान करके आगे चलता है। इसके पीछे के कारण है, इसके पीछे के कारण क्या थे? इसके पीछे के कारण थे जब पंडित जी समाज में, समाज के एक अग्रदूत के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, या एक दर्शन एक दार्शनिक के रूप में अपना व्यक्तित्व और विशेष करके जनसंघ की जो आधारशिला थी, उस जनसंघ का जो विचार था, उस जनसंघ का जो आधार था कि हमने व्यक्ति के सामने, समाज के अंतिम व्यक्ति के सामने इस सनातन संस्कृति के विचार को कैसे पहुंचाना है, वहां पंडित दीनदयाल जी अपनी अग्रणीय भूमिका में थे। और उस अग्रणीय भूमिका में रहने के लिए, मतलब कि सबसे आगे रहने के लिए उन्हें अनेक अवरोधों का भी सामना करना पड़ा, किंतु एक यक्ष प्रश्न था पंडित दीनदयाल जी के सामने कि सर्वसमावेशी समाज को हम एक श्रेष्ठ पाथे कैसे दे। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें पहले तो अपने धर्म को जानना होगा, हमें सबसे पहले संस्कृति को जानना होगा, धर्म हमारे यहाँ विशेष करके भारतीय दर्शन में, उसके बाद पंडित दीनदयाल जी के चिंतन में धर्म जो है एक ऐसी धारणा है जिसको ग्रहण करके व्यक्ति अपने भीतर के आत्म तत्व को अर्थात अपने अंतस को सुंदर बनाता है। धर्म रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है, जिसे हम धर्म को रिलीजन मान जाते हैं, रिलीजन पंथ है। धर्म है ऐसा काम जिसको करने से हमें आत्म संतुष्टि मिलती है, वह धर्म है। उदाहरण के लिए यदि मैं एक शिक्षक हूं तो जब मैं शिक्षा के मंदिर में जाता हूं तो वहां मेरा धर्म है कि मैं शिक्षा की अलख को, शिक्षा की उस स्रोतस्विनी को कैसे पावन रूप में प्रवाहित करूं अपने शिक्षार्थियों के सामने। वास्तव में भारतीय चिंतन में और पंडित दीनदयाल जी के चिंतन में धर्म की यह परिभाषा है और यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी सनातन जीवन पद्धति है। पर हुआ क्या, बाहर के विद्वानों ने जो यहाँ आकर आए और यहाँ उन्होंने वर्षों तक, शताब्दियों तक अपना जीवन व्यतीत किया, उन्होंने समाज को सर्वसमावेशी रूप में नहीं देखा, उन्होंने समाज को समष्टि रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे व्यक्ति केंद्र कर दिया। हमारे यहाँ भारतीय चिंतन में या पंडित दीनदयाल जी के समावेशी समाज में व्यक्ति भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना समाज, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज व्यक्ति के साथ चलता है। इन दोनों का जो अद्वैत भाव है वही सर्वसमावेशी समाज की पहचान। व्यक्ति से जोड़ती है और यही जोड़ने का जो आधार है, यही हमारा चिंतन रहा है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का अपने समावेशी समाज में, कि व्यक्ति जो है व्यक्ति के लिए, जैसे मैं अपने आप को सोचता हूं वैसा मैं दूसरे के प्रति भी चिंतन रखता हूं या नहीं, उसी रूप में संस्कृति जिसको लोगों ने कल्चर के रूप में माना है, भारतीय चिंतन और हमारी जो सनातन जो विचार पद्धति है, जो हमारा सनातन विचार है जिसको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी आत्मसात किया है, संस्कृति कल्चर का द्योतक नहीं है प्रिय देशवासियों, संस्कृति संस्कार को जन्म देता है, संस्कृति भीतर से हमें आलोकित करती है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं और पंडित दीनदयाल जी ने एक उदाहरण के रूप में भी इसे स्पष्ट अपने समाज के सामने, अर्थात भारतीय समाज के सामने, अर्थात हमें और हम और आप लोगों को बड़े सरलीकृत रूप में उसे प्रकट किया है। आप सामने के भवन को देखते हैं, भवन गगन
चुंबी है, बहुमंजिला है और उसमें रंगरोगन हुआ है, वो बाहर से दिखाई दे रहा है। यह है सभ्यता, जिसको हम कल्चर कह सकते हैं। कल्चर सभ्यता है, कल्चर संस्कृति नहीं है, क्योंकि जब हम कल्चर को सभ्यता की दृष्टि से मानेंगे तो हम समाज को व्यष्टि के माध्यम से जानना शुरू कर देंगे। और हमारे यहाँ समाज व्यष्टि का केंद्र नहीं है, समष्टि का केंद्र है। सामूहिकता का नाम समाज है, एकत्व का नाम समाज नहीं है, सामूहिकता का नाम समाज है, जिसको भारतीय दर्शन में या पंडित दीनदयाल जी के चिंतन पद्धति से हम ग्रहण करें, यदि उसे हम जाने, तो वो समष्टि भाव सामूहिकता का नाम है, जिसको हमने एकात्मानवाद भी कहा कि हम समस्त मानवता को एक रूप में देखते हैं, एकमेव रूप में देखते हैं, सहभाव में देखते हैं और सहित भाव में देखते हैं। और ये सहित का भाव ही भारतीय दर्शन का साहित्य है, जिसे हम साहित्य की परिभाषा में भी बहुत जगह अनेक रूपों में कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या अन्य जो हमारी साहित्य की विधा है उनमें हम देखते हैं। तो संस्कृति पंडित दीनदयाल जी के सर्वसमावेशी समाज में भीतर के उस संसार को कहते हैं। जो मैंने भवन का उदाहरण दिया, कहने का मतलब है बाहर से भवन बहुत अच्छा है, दिख रहा है, उसकी सुंदरता हमें मोहित कर रही है, पर भीतर उसमें क्या है? जब तक घर घर नहीं होगा वो मकान रहेगा, जब तक घर में मैत्री भाव नहीं रहेगा, बंधुत्व की भावना नहीं रहेगी, तो वह घर मकान होगा, क्योंकि मकान कभी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि मकान कभी सर्वसमावेशी जीवन पद्धति नहीं दे सकता, घर दे सकता है, क्योंकि उसमें बुजुर्ग है, उसमें युवा है, उसमें शिशु है, उन तीनों को कैसे जोड़ा जाए, वहां महती भूमिका उस घर के मुखिया की होती है। और एक मुखिया के रूप में, एक विचार प्रमुख के रूप में जब समाज के सामने पंडित दीनदयाल जी आए, तो उन्होंने सबसे पहले समाज के सामने कहा कि हमें अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए सोचना है। इस देश के गांव के छोर का वो अंतिम व्यक्ति जो अपने जीवन के उदय के, अपने जीवन के सुख के, अपने जीवन के विकास के लिए जो उसकी सोच है, वहां वो व्यक्ति उस सोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ वो कैसे ऊपर बढ़े, वह चिंतन था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का। और यही सर्वसमावेशी समाज का पहला पड़ाव है, पहला मानदंड है, पहला निकष है। यदि इस निकष को जानना है तो हमें धर्म और संस्कृति, जीवन, समाज, राष्ट्र और देश को जानना होगा। हमें इस उद्बोधन, इस श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, समाज से राज्य का निर्माण होता है, राज्य से राष्ट्र का निर्माण होता है। जब राष्ट्र अंतरराष्ट्र स्वरूप लेता है तो वही जगजननी का स्वरूप धारण करता है, वही वसुधा का धारण कर लेता है, स्वरूप धारण कर लेता है, और वही वसुधा कुटुंब के रूप में पूरे संसार को एक रूप में देखती है। यही भारतीय चिंतन है, यही भारतीय जीवन पद्धति है, यही भारत का एकात्मान भाव है, यही भारत का वो राष्ट्र भाव है, क्योंकि राष्ट्र देश अलग है, राज्य अलग है। राज्य जो है वो एक जनतांत्रिक व्यवस्था का नाम है, जहां व्यक्ति अपने मतों के माध्यम से किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं, राज्य है वो शासन व्यवस्था। और उस शासन व्यवस्था में भी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि ये धर्म आधारित होनी चाहिए, जिसको हम चार पुरुषार्थों के नाम से जाना जाते हैं, जानते हैं अपने भारतीय जीवन पद्धति में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रत्येक कार्य में हम धर्म आधारित जीवन उस धारा के माध्यम से चलेंगे, उस सूत्र के माध्यम से चलेंगे, तो धर्म आधारित जीवन पद्धति ही हमें सौंदर्य का बोध करवाएगी, हमें लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कटिबद्ध करेगी निष्ठा भाव से। वहीं से हम अर्थ को प्राप्त करेंगे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, वहीं से हम मोक्ष की ओर अर्थात कैवल्य की ओर अर्थात चिंतन से, चेतना के माध्यम कि जहां हम अपने लिए नहीं जीते हैं अपितु दूसरे के लिए जीते हैं, जहां जीवन की पद्धति हमारी जो है अपने लिए जीने के लिए नहीं रहती अपितु दूसरों के लिए रहती है। यह जो चेतना से चिंतन और चिंतन से चैतन्य तक का जो यात्रा है, ये मोक्ष है। और यही
यही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को हम कैसे पौरुष से युक्त होकर के आगे ले जाएं, इसमें पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि हमें धृति को धारण करना है। धृति का मतलब है धारण करने की व्यवस्था। धारण करने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? वो धर्म आधारित होनी चाहिए। ऐसा चिंतन, ऐसी पद्धति, ऐसा विचार जो व्यक्ति को व्यक्तिवाद से नहीं जोड़ता, समाजवाद से नहीं जोड़ता, एकात्मानवाद से जोड़ता है। अब समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये उस समय संसार के ऐसे विचार थे, वो अलग अलग रूप में अपना आधार स्थापित कर रहे थे। कुछ विचारों ने स्थापना कर भी दी थी। तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि नहीं, हम जितने व्यक्तिवादी हैं उतने ही समाजवादी हैं, उतने ही समष्टिवादी हैं और उतने ही एकात्मानवादी हैं। तो कहने का अर्थ है व्यक्तिवाद से हमारा भारतीय चिंतन प्रारंभ होता है। वहां व्यक्ति को व्यक्ति से नहीं जाना जाता, वहां व्यक्ति को समष्टि से जाना जाता है, व्यक्ति को समाज से जाना जाता है। तो वह हम समाजवाद को भी उतना ही स्थान देते हैं और समाजवाद से हम एकात्मानवादी हैं कि हम सभी एकात्म भाव से सोचते हैं, एकमेव हो करके समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए हम अपने को वहां कटिबद्ध करते हैं, अपने को वहां स्थापित करते हैं और वहीं से हम जो है एकात्मानवाद तक पहुंचते हैं। और वही एकात्मानवाद व्यष्टि से होता हुआ समष्टि की यात्रा करते परमेष्टि तक पहुंचता है। कहने का अर्थ व्यष्टि से परमेष्टि तक की जो यात्रा हमारी है वही एकात्मानवाद का मूल आधार है, वही सर्वसमावेशी समाज का मूल आधार है। आज हम घर घर तक अपने विकास की यात्रा को ले जाना चाहते हैं, जनतांत्रिक दृष्टि से, प्रजातांत्रिक दृष्टि से, समाज के उस नीति निर्देशों के दृष्टि से, उस नीति के पीछे यदि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी देखें, उनकी जन को जो उत्थान के लिए जो उन योजनाओं को देखें, उन योजनाओं में हम देखते हैं उसके पीछे का आधार कोई है, तो पंडित दीनदयाल जी के सर्वसमावेशी समाज का आधार रहा है। किसी भी योजना को यदि हम देखते हैं तो उसके पीछे चिंतन जो रहा है वो व्यष्टि से परमेष्टि की यात्रा रही है। क्योंकि हम आज मानते भी हैं कि भारत विश्वगुरु था पर आज नहीं है। इसका कारण क्या है प्रदेशवासियों? इसका कारण है कि हमने व्यक्ति को केवल व्यक्ति ही माना, उसको समष्टि का सूत्रधार नहीं माना। जिस दिन हम व्यक्ति को समष्टि का और समष्टि से परमेष्टि का सूत्रधार मानेंगे, व्यक्ति में मैं भी आता हूं, आप सभी बंधुबांधव आते हैं, व्यक्ति में समाज का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जिसे अभी तक वह व्यवस्था नहीं मिली है समाज में जीने की, जो व्यवस्था उसे आज से पहले मिलनी चाहिए थी, जब वह भाव उस व्यक्ति में आएगा तो फिर उस की यात्रा व्यक्ति व्यक्ति से समष्टि की हो गई। कहने करते हैं पंडित दीनदयाल जी यही कहते थे, जब तक हम समाज के व्यक्ति को उसको अन्न नहीं देंगे, वो भूखा रहेगा तो वो राष्ट्र के प्रति नहीं सोचना शुरू करेगा। उस समाज के अंतिम व्यक्ति को हमें अन्न देना होगा। तो वही अंत्योदय योजना जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की रही है, वही उस सर्वसमावेशी समाज की पहली ज्योति थी। उस ज्योति के माध्यम से उस पथ को आलोकित करना चाहते थे। ग्रामीण सुधार योजना है कि हमें अपने भारत के गांव को कैसे सुधार की अवस्था में लाना है, क्योंकि हम और आप लोगों का देश गांव में बसता है, गांव में संवेदना होती है, गांव का व्यक्ति संवेदनशील होता है, उसमें दया है, उसमें ममता है, उसमें मैत्री है, उसमें ममत्व की भावना है। ये जो ममत्व की भावना है उसको और सुदृढ़ हमने कैसे करना है, वो तभी होगी जब हम उस व्यक्ति की, उस समाज के सुधार के लिए कुछ करेंगे, उसे अपने जो उस धारा में लाने के लिए, जिस धारा में वो बहना चाहता है विकास की, वहां लाने के लिए जब तक हम सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से वहां तक नहीं पहुंचेंगे अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से, तब तक उस गांव का सुधार नहीं हो सकता। ये उनका एक लक्ष्य था, उनका एक स्वप्न था, जो आज मुझे लग रहा है कि यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से वह आधार अब स्थापित हो रहा है। क्योंकि जो योजनाएं केंद्र से आज जा रही है वो योजना 100% एक किसान तक पहुंच रही है। किसान अब स्वावलंबी हो गया है, किसान अब आत्मनिर्भर हो गया है, हमारा मजदूर बंधु बांधव अब आत्मनिर्भर हो गया है, हमारी जो गृहिणी है, जो भगिनियां हैं, वो भी आज आत्मनिर्भर का एक सपना देख रही है और भीतर से उनमें एक उस आत्मनिर्भर भारत और नवीन भारत की जो प्रतिमा है वो भीतर से आज झलक रही है। यही जो भावना है, यही विश्व
पटल पर भारत को एक अलग रूप में देख रही है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय फलक है। और यही अलग रूप में देखने का मतलब है कि भारत विश्व गुरु की यात्रा में अब पुनः जो है आगे बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का सूत्र क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का जो पद्धति क्या है, उस पद्धति में पंडित दीनदयाल जी का जो सर्वसमावेशी समाज है और उसका जो एकात्म मानव भाव का जो चिंतन है, उसका जो व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक की जो यात्रा है, वही सूत्र आज जो है कहीं ना कहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो है वो प्रज्वलित हो रहा है। और यही आभा, यही कांति, यही प्रकाश व्यक्ति व्यक्ति से, समाज समाज से, राज्य से राष्ट्र तक और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र तक आज जा रहा है। यही कारण है कि भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो राजनीति हो, भारत की एक अलग पहचान बनी है। और इस श्रृंखला का भी यही ध्येय है, यही उद्देश्य है जो महाराष्ट्र साहित्य अकादमी आजादी के 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव के नाम से हम आज इसे उत्सव को मना रहे हैं। डॉक्टर मिश्र जी और महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का भी यही उद्देश्य है कि इन श्रृंखलाओं के माध्यम से जो हम श्रृंखलाएं उद्बोधन की आज प्रारंभ किए हुए इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं, तो इनका भी उद्देश्य यही है। समस्त अकादमियों का यह उद्देश्य है, समस्त शिक्षा संस्थानों का यह उद्देश्य है कि हम आजादी के इन 75 पड़ावों को, आजादी के इन 75 वर्षों को, जिसमें हमने विकास की एक नई इबारत लिखी है अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी सनातन पद्धति के माध्यम से, अपने सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से, तो इसे हम किस रूप में और सुदृढ़ होकर के आगे रखें, जिससे हम एक सशक्त, सबल, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत बनाने की प्रतिमा में अपनी भूमिका निभाए और हम मां भारती को उसी रूप में देखें जो हमारी सनातन पद्धति रही थी। और यही पंडित दीनदयाल जी का सनातन चिंतन आज भी हमारे बीच में अपनी ज्योति लिए आगे बढ़ रहा है। और यही प्रकाश विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठों के माध्यम से जो है शोध के क्षेत्र में, पीजी डिप्लोमा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश पंडित दीनदयाल अध्ययन केंद्र एक पूरा स्वतंत्र रूप से प्रभाग बना हुआ है, यहाँ भी हमारा यही उद्देश्य है कि अपनी सनातन जीवन पद्धति के जो विचार हैं, जो दर्शन है हमारा, जो हमारे वेदांतों के जो सूत्र हैं, जो उपनिषद की हमारी अजस्र पुनीत स्रोत स्विनी है ज्ञान की, उसे हम अपनी भारतीय जीवन पद्धति में कैसे ला खड़ा करें, जो हमसे धूमिल हो रही है। कारण क्या है कि हम परामुखपेक्षी हो गए हैं, हम अपनी अस्मिता को दूसरे के माध्यम से जानने का प्रयत्न करते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास हमारा बड़ा कालीमा से रहा है। उसका कारण था कि भारत का एक व्यक्ति जिसकी सनातन पद्धति अथाह है, अटूट है, अखंड है, अविभाज्य है, अपरिमेय है, उस जीवन पद्धति का जीने वाला व्यक्ति युवा यदि अपनी अस्मिता को जानने के लिए किसी दूसरे के यहाँ जाकर के उसकी परिभाषा के माध्यम से जाने का प्रयत्न करता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि एक ऐसा कालखंड रहा है, वो बड़ा पीड़ादायक रहा है। अब हम नव नरमिति के माध्यम से पुनर्निर्माण कर रहे हैं जागृति का, क्योंकि भारत का निर्माण तो बहुत पहले हो चुका था, उसका चिंतन अटूट है, वो विश्व को अलग देने वाला है। जो भारत कहता है कि असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिस भारत का मंत्र रहा है संगच्छध्वं स्वं बन्धध्वं, कि सब साथ चले, सब 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 साथ साथ बोले, सब साथ साथ जिए, ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसका चिंतन ऐसा सुदृढ़ रहा हो, उसे कुछ कालखंडों में आततायियों ने उस भावधारा को धूमिल करने का प्रयत्न किया, पर हम अटूट हैं, अविभाज्य हैं, देश अटल है, देश अटूट है, देश अखंड है, यही भारत है। और इस भारत के अखंड, अटूट, अविभाज्य संस्कृति के पीछे यदि कोई आधार नींव रही है, तो वो हमारा सर्व समावेशी समाज की चिंतन की अलख रही है, जो भारतीय दर्शन से होती हुई, हमारे वेदांतों, वेदों से होती हुई, पंडित दीनदयाल से होती हुई आज तक अपनी अनवरत इस यात्रा को तय कर रही है। और विशेष करके महाराष्ट्र साहित्य अकादमी और डॉक्टर मानेश मिश्र जैसे सुधी विद्वान श्रृंखला के माध्यम से अमृत महोत्सव की इस अलख को और प्रज्वलित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के उद्बोधन, इस प्रकार के भारतीय संस्कृति से, भारतीय समाज से जुड़े उद्बोधन श्रृंखला के रूप में जब ऐसी संस्थाएं जो अपना एक
नाम रखती हैं, अपना एक महत्व रखती हैं, जब इस प्रकार की संस्थाएं ऐसे उद्बोधन का प्रारंभ करना शुरू करती है, तो यही प्रारंभ जब एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, एक जिसको हम कह सकते हैं कि संविधा के माध्यम से जब पूर्ण आहुति में पहुंचेगा, तो वही सौरभ इस यज्ञ की समाज से होती हुई राष्ट्र को पार करती हुई अंतर्राष्ट्र फलक में अपनी एक अस्मिता स्थापित करेगी। ये मेरा मंतव्य है। आप सभी विद्वानों का जिसने मुझे सुना, और विशेष करके महाराष्ट्र साहित्य अकादमी और श्रृंखला समन्वयक डॉक्टर मनीष मिश्र जी, आप लोगों ने मुझे समय दिया, मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि साहित्य और दर्शन के विद्यार्थियों को आपने इतना बड़ा आधार दिया साहित्य अकादमी का। मैं देवभूमि हिमाचल के माध्यम से महाराष्ट्र की अखंड संस्कृति को, अटूट संस्कृति को प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिमाचल, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मैं अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे छोटे से अनुरोध को स्वीकार किया, और इस श्रृंखला में आपके व्याख्यान के माध्यम से आपने आज जो समय निकाला उसके लिए हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। निश्चित तौर पे जो हमारे शोधार्थी हैं, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए साथी हैं, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को उसकी जड़ों में, उसके दर्शन में, उसके वेदांत में खोजने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये व्याख्यान हमेशा एक आधार के रूप में कार्य करेगा। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अकादमी की योजना है कि ये सारे व्याख्यान हम डिजिटल रूप में यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो संरक्षित रखेंगे ही, साथ ही साथ ये सारे व्याख्यान जो है आगे चलकर हम पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित करने की योजना पे कार्य कर रहे हैं, ताकि दोनों रूप में, प्रिंट फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सारे महत्वपूर्ण व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे अध्ययन से जुड़े हुए साथियों के लिए उपलब्ध रहे। एक बार पुनः मैं आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।